हेलो एंड वेलकम गाइस, मैडम मैं अभिषेक और आप लोग देख रहे हो मेरे चैनल अभिषेक ड्रीम बोट। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पबजी मोबाइल के बारे में। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आज बात होने वाला है पबजी मोबाइल के बारे में, क्योंकि पबजी मोबाइल की तरफ से आपके लिए एक सारा सा गुड न्यूज है। तो यहाँ पे फाइनली जो है ऐसा लग रहा है कि पबजी मोबाइल जो है वापस से रिलॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर। हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज सुने होंगे ऐसे, लेकिन यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स वगैरह जो है आया है जो आपको आगे जो है वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा जो है सुनने को आ रहा है कि पबजी मोबाइल जो है इंडिया के अंदर एक पार्टनर जो है ढूंढ लिया है, उसके साथ जो है बहुत जल्द जो है डील करने वाला है। और उसके बाद आपको पता ही है क्या होने वाला है कि पबजी मोबाइल जो है इंडिया के अंदर रिलॉन्च हो जाएगा। तो इसी के बारे में आज का जो ये वीडियो बनने वाला है। तो आपको अगर इंटरेस्ट है पबजी मोबाइल के ऊपर, ये मैं पूछ भी क्यों रहा हूँ, सबको इंटरेस्ट है पबजी मोबाइल के ऊपर, तो चलो यार वीडियो को कर लेते हैं फटाफट से स्टार्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो पार्टनर है इंडिया के अंदर वो कौन है, ये तो मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि जियो के साथ जो है पबजी मोबाइल का जो है कोलैब होने वाला है, और बहुत सारे लोगों ने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था। लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जियो के साथ जो है कोलैब अभी तो फिलहाल नहीं हो सकता, क्योंकि जियो जो है अलग अलग प्रोजेक्ट पे अभी जो है काम कर रहा है। तो अगर कोलैब करेगा जियो तो आगे जाके आपको जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल कुछ महीनों के अंदर जो है आपको जियो के साथ पबजी का कोलैब देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जियो तो यहाँ पे पार्टनर नहीं बना है, लेकिन यहाँ पे पबजी मोबाइल जो है यहाँ पे एयरटेल के साथ जो है डील करने वाला है, ऐसा ही कुछ आर्टिकल वगैरह जो है आया है। तो आप स्क्रीन पे देख लो, उसके बाद जो है बात करते हैं। तो आपने यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही सकते हो कि आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि पबजी मोबाइल जो है एयरटेल के साथ डील करने वाला है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है उसके हिसाब से, और अभी तक कोई भी डील वगैरह नहीं हुआ है, तो बहुत जल्द अगर डील हो जाता है तो हमें बहुत जल्द जो है पबजी मोबाइल रिलॉन्च होते हुए दिखेगा। लेकिन फिर भी आपको 2-3 महीने जो है वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे चीजें जो इसके अंदर फंसा हुआ है, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट को बहुत सारे सवाल का जवाब देना है पबजी मोबाइल वाले को, और अगर इंडिया पे रिलॉन्च करेगा तो उसके लिए जो है हमारे इंडिया के अंदर ऑफिस वगैरह वर्कशॉप वगैरह बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर डील हो जाता है तो आपको 2-3 महीने के अंदर जो है पबजी मोबाइल रिलॉन्च होते हुए दिख जाएगा। अगर इसके बारे में और कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे हम खुशखबरी मान के चलते इसको कि अभी जो है एयरटेल के साथ जो है डील होने वाला है, और बहुत जल्द पबजी जो है रिलॉन्च होने वाला है। आज का वीडियो जो है एक बार खत्म होता है तो आप वीडियो को एक लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, और आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो पे, नया वीडियो जो है बहुत जल्द आने वाला है। तो चलो यार, बाय बाय गाइस।